हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको विदाउट अल्कोहल के आप किस तरह से होममेड सैनिटाइज़र बना सकते हो, वो भी मिनटों में। तो दोस्तों, आप लोग की कमेंट्स और रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। तो ये देखिए, मेरे पास है सैनिटाइज़र जो कि मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया है आप लोग को बताने के लिए। अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करके बताती हूँ, ये बहुत ही असरदार है। आपको इसको इस तरह से करना है, क्योंकि मैंने इस तरह से बॉटल में लिया है गाइस, और थोड़ा सी लेके अपने हाथों को, वाओ, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही गाइस। ऐसा लग रहा है मैं मार्केट वाला सैनिटाइज़र यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कितना इजीली ये सैनिटाइज़र गायब हो गया है। बहुत ही सिंपल है बनाना, तो चलिए फटाफट से बनाना बताती हूँ। और उसके लिए आप लोग को घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ जो भी आपके किचन में है उससे ही बन जाएगा गाइस, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक कप लिया है जिसमें हमें होममेड सैनिटाइज़र बनाना है। तो सबसे पहले लेना है प्लेन एलोवेरा जेल, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो ले सकते हो, नहीं तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो गाइस। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दोनों का ही इस्तेमाल करूँगी। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे एक चम्मच ले लिया है जेल को, और यहाँ पे मैं थोड़ा सी प्लेन एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश पत्तियाँ हैं तो उसको आप मिक्सी ग्राइंडर में उसके जेल को प्यूरी बना लीजिए, और सेम इस तरह से आपको मार्केट के जैसा प्लेन मिल जाएगा, बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, इस तरह से आपको थोड़ा सा मिक्स करना है, और इसके बाद हमें ऐड करना है जो भी हमें इंग्रेडिएंट चाहिए। तो ये देखिए, डेटॉल है हमारे पास, बस डेटॉल लेना है। आप देख सकते हो मैंने 1 से 2 चम्मच लिया है, तो ये ख़त्म होने वाला था तो मैंने पूरा ही ऐड कर लिया। तो ये देखिए, इतना सी हमें अच्छे से मिक्स करना है गाइस। तो चलिए मैं मिक्स करके बता देती हूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, ये बिल्कुल बाजार के जैसा सैनिटाइज़र के फॉर्म में आ गया है। अब हमें यहाँ पे हाथों को थोड़ा मॉइस्चराइज यानी कि सॉफ्ट रखने के लिए ऐड कर रहे हैं हम। इसमें थोड़ा सी कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, आपके पास कोई भी ऑयल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही मस्त खुशबू आने लग गई है, और ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल मार्केट के जैसा लग रहा है गाइस। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तभी आपको लगेगा। तो मैं भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, मुझे तो मौका ही चाहिए बार बार इस्तेमाल करने के लिए। तो ये देखिए गाइस, कितना स्मूथ है और हाथों को भी सॉफ्ट रखता है, और विदाउट अल्कोहल के ये बनकर तैयार हुआ है। कोई बोलेगा नहीं कि ये हमने घर पे बनाया है, ऐसा लग रहा है हमने इसमें अल्कोहल ऐड किया हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से बन गए हैं, आप देख सकते हो। ये मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया है गाइस, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया था अल्कोहल के साथ, आप वो वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत ही मस्त वीडियो है गाइस, बहुत ही यूज़फुल है आप लोग के लिए। और मैं इसमें इसको पोर कर देती हूँ। सो गाइस, अब ये बिल्कुल रेडी है, अब इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी बॉटल है आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं और आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको मार्केट से अल्कोहल ला के बनाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर से मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।